हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर वरुला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। और हम पहुंच गए थे सेलेंट फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी में। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि फॉर्मेट क्या होगा एक सिक्योरिटी पॉलिसी का, मतलब अगर एक सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे तो उसका क्या फॉर्मेट होगा। अब हम सेलेंट फीचर्स सिक्योरिटी पॉलिसी की, क्या क्या सेलेंट फीचर्स जो होंगे वो हम उसको पढ़ेंगे। तो सेलेंट फीचर्स के लिए क्या है, हमने क्या किया, फिर बोरो किया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट से जो गाइडलाइंस हैं, आईटी गाइडलाइंस हैं, वो बोरो की। मतलब एक सिक्योरिटी पॉलिसी के सेलेंट फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या है, आईटी गाइडलाइंस जो हैं, जैसे जो हमने बोला था कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब आईटी गाइडलाइंस जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट इशू करता है, वो एक तरह से स्टैंडर्ड है, बेसिकली रिकमेंडेटरी स्टैंडर्ड है। तो वो गाइडलाइंस को अगर हम उस गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, सेलेंट फीचर्स निकल के आ जाएंगे सिक्योरिटी पॉलिसी के। तो सबसे पहले हमारी स्टडी जो होती है उसको सेलेंट फीचर्स को कई भागों में डिवाइड करती है। पहले पॉलिसी डेवलपमेंट बोलती है और दूसरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो पहले पॉलिसी डेवलपमेंट करेंगे सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी की पॉलिसी हमें, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के सबॉर्डिनेट रहेगी और यही हमारी स्टडी कहती है। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव और कोर प्रिंसिपल्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और पहले एक क्रिटिकल स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलप करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कोर प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, कोर प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में दिए रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रीएम्बल में दिए रहते हैं, वो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। और दूसरे क्या चीज़ होता है, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, हमारे सिक्योरिटी के क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से हमें कितने किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, बैंक को अलग चाहिए, ड्रग रिसर्च कंपनी को अलग चाहिए, न्यूज़पेपर कंपनी को बहुत कम चाहिए, और कोई और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है तो वहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत कम रिक्वायरमेंट है। एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, वहाँ भी मिनिमम सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है सिक्योरिटी नीड्स बहुत कम, वो बात ही ट्रांसपेरेंसी की कर रहा है। तो सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, कोर प्रिंसिपल्स कहाँ पर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में होंगे, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और उसी के अनुसार, और ये फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप होता है सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स पता करना और कोर प्रिंसिपल्स का पता करना। फिर वो टॉप मैनेजमेंट बैठता है, टॉप मैनेजमेंट बैठ के क्या करता है, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाता है, क्योंकि वो पॉलिसी है तो टॉप मैनेजमेंट होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल होगा, और क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉलिसी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी है और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के सबॉर्डिनेट होगी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो है पैरामाउंट होगी, उसमें उसके कोर प्रिंसिपल्स होंगे। और यही बात हमारी स्टडी हमें समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि सिक्योरिटी पॉलिसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट करेगी, जब उसके सबॉर्डिनेट होगी तो ऑब्वियसली उसे कॉम्प्लीमेंट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऊपर होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी नीचे होगी। दूसरी बात वो ये कहती है कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट इशू होना चाहिए और उस पॉलिसी स्टेटमेंट का थ्रस्ट जो होना चाहिए वो अंडरलाइंग वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेंसी क्या है उस इंफॉर्मेशन पर, इस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है कि आप सबसे पहले डेटा जो है आपका है, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन की डेटा की वैल्यू, इंफॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए और फिर उसी के हिसाब से आप क्लासिफाई करोगे। तो जब सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू करेंगे और उसी की तरह से इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करेंगे, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हम वैल्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तभी उसको क्लासिफाई करवाएंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ज़्यादा वैल्यूएबल, कोई कम वैल्यूएबल है। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करनी चाहिए। पहली चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू एंटरप्राइज, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में ट्रेनिंग सेमिनार ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से स्टेटमेंट आना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप मोस्ट ऑफिसर है, वहाँ से अगर स्टेटमेंट आ गया कि भाई हमें इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्रिएट करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और उसके ये गोल्स और उसके ये प्रिंसिपल्स हैं,
तो जैसे ही एक मॉरल अथॉरिटी आ जाएगी, एक स्टेटमेंट कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से मॉरल अथॉरिटी के रूप में काम करेगा। यानी प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में एक स्टेटमेंट कह देता है जिस दिन तक वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। प्राइम मिनिस्टर उतर जाता है कुछ से, फिर कुछ कहता है, देवेगौड़ा जी आज की डेट में कुछ कहें कोई खास बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठकर अगर कोई एक आदमी एक चीज़ कहता है, वो पॉलिसी स्टेटमेंट बन जाता है, वर्ड में राइबर बीट करने लगता है। अगर आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठ के पाकिस्तान के बारे में कुछ कह दे तो दुनिया में राइवरब्रेट करती है वो बातें। तो इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक स्टेटमेंट दे देता है, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक लेजिटिमेटी मेसी दे देता है, और वहाँ से जो है ऑर्गेनाइजेशन का चक्का घूमने लगता है। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स के बारे में हमारी स्टडी कहती है, जिसमें कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हो स्पेसिफिक एरियाज में, और उनके बारे में उसने बताया। सबसे पहले एसेट क्लासिफिकेशन, वो बोलती है एसेट क्लासिफिकेशन स्टेटमेंट होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी स्टेटमेंट, फिजिकल लॉजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, लीगल रेगुलेटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट ये हमने देखनी चाहिए, सिस्टम डेवलपमेंट मेंटेनेंस, लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग और एजुकेशन, इसके रिलेटेड स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। सिक्योरिटी ब्रीच कैसे डिटेक्ट की जाएगी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद वो अगर कोई इन्फोर्समेंट प्रोविजंस को वायलेट कर दिया गया, यानी कोई रूल्स बना दिए उन्हें वायलेट कर दिया गया, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कैसे करनी है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोसीजर्स क्या हैं, इन्फॉर्मेशन के सिस्टम या इशू स्पेसिफिक एरियाज क्या हैं। तो इन सब चीज़ का एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ये हमारी स्टडी कहती है, मतलब पॉलिसी डेवलपमेंट में। तो जब हम इन सब चीज़ों का स्टेटमेंट बना देंगे, एसेट क्लासिफिकेशन, डेटा सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, पॉलिसी डेवलप हो जाएगी। मतलब सबसे पहले हमारी स्टडी जो है वो ये कहती है सेलेंट फीचर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में कहती है, और फिर वो कहती है कि भैया आईटी गाइडलाइंस ऑन मैनेजिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के द्वारा इशू किया गया है, वहाँ से गाइडलाइंस ले लो, वहाँ से गाइडलाइंस कॉपी पेस्ट कर लो, और वो गाइडलाइंस के बारे में, वो ये को के बारे में हमें बताना स्टार्ट करती है कि उसमें क्या है, और हमें ये कहती है कि उस वही सिक्योरिटी पॉलिसी के सेलेंट फीचर्स हमारी भी सिक्योरिटी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले उसको वो कहती है पॉलिसी डेवलपमेंट होना चाहिए। पॉलिसी डेवलपमेंट में ये बोलती है कि सिक्योरिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की सबॉर्डिनेट होनी चाहिए, और जो कि फैक्ट है। दूसरा वो कहती है कि हम सारे डेटा की वैल्यू को हमें रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, और वो रिकॉग्नाइज करेंगे तभी तो क्लासीफाई कर पाएंगे। दूसरा वो कहती है कि स्टेटमेंट होना चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, प्रधानमंत्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की को लागू करना है, उसकी गोल्स ये और ये प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होने चाहिए पर्टिकुलर चीज़ों में, और अगर उन सब चीज़ों में स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स बन जाएंगे तो पॉलिसी अपने आप बन जाएगी, क्योंकि उन्हीं के थ्रू पॉलिसी बनेगी। एसेट क्लासिफिकेशन के स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, फिजिकल लॉजिकल, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, उसके बाद लीगल रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हर चीज़ के निकलेंगे, तो वो मर्ज होकर आपका पॉलिसी को डेवलप करने में हमें हेल्प करेंगे। दूसरा हमारी स्टडी कहती है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कहती है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होनी चाहिए। हमेशा की तरह वो यही कहती है कि इंपरेटिव है कि इंडिविजुअल रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्लियरली कम्युनिकेट और अंडरस्टूड होनी चाहिए। यानी ऑब्वियस बात है, हम कई बार इस चीज़ को कह चुके हैं, हर एंटरप्राइज की अपनी यूनिक नीड्स हैं, तो ये एक कोई जेनरिक अप्रोच नहीं हो सकता है। एक इन्वायरमेंट आप मैट्रिक्स बनाओगे, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स बनाओगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स भी चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती जाती है वैसे वैसे एफिशिएंसी आती जाती है, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन का मैट्रिक्स चेंज होते रहता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का मैट्रिक्स भी टाइम डिपेंडेंट हो गया, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो एंटरप्राइज को सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस अप्रोप्रिएट मैनर में नॉमिनेटेड एम्प्लॉइज को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और वो रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी का हल्का सा एक खाका हमारी स्टडी में दिया हुआ है कि क्या कौन कौन व्यक्ति होनी चाहिए। सबसे ऊपर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी सिक्योरिटी की, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल,
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी का प्रोफेशनल जो है वो डिज़ाइन करता है, इंप्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है, रिव्यू करता है एंटरप्राइज की सिक्योरिटी पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, मेजर्स, प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स। क्योंकि उन्हीं स्टैंडर्ड्स, मेजर पॉलिसी, प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स को लागू करना उसका काम है। बाद में उसको डेटा कस्टोडियन के रूप में बनना पड़ेगा, कस्टोडी डेटा के कस्टोडियन के रूप में वो पार्ट होगा। हमने बोला था कि दो चीज़ होते हैं, डेटा ओनर होता है, प्रोसेस ओनर होता है, डेटा या प्रोसेस का ओनर होता है, और दूसरा क्या होता है, कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन आईटी डिपार्टमेंट होगा, डेटा का ओनर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा या एचआर डिपार्टमेंट होगा। इस तरीके से वो डेटा के ओनर होते हैं। डेटा का में को कैसे क्लासिफाई करना है और चीज़ क्या, किस कौन डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, ये डेटा ओनर बताता है। एचआर वाला बताएगा मेरा डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सेस राइट दो, इसको नहीं दो। लेकिन डेटा किसके पास रहेगा, कौन कस्टोडियन होगा, कौन उसे इंप्लीमेंट करेगा, किसके पास डोमेन नॉलेज होगी उसको उन सिक्योरिटी लेवल्स को इंप्लीमेंट करने की, वो आपका कस्टोडियन होगा। कस्टोडियन जनरली आईटी डिपार्टमेंट होगा। तो सबसे पहले हमारी स्टडी डेटा ओनर के बारे में बताती है। डेटा ओनर के बारे में कहती है डेटा का ओनर है, यानी कि ये डेटा ये बताएगा कि भाई कौन सा सेंसिटिव डेटा है, क्या क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, किस कितनी, और इसी की इसी व्यक्ति इसी डिपार्टमेंट की या इसी व्यक्ति की एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी मेंटेन करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप टैली में डेटा डाल रहे हैं तो भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डेटा ओनर हो। जो सिस्टम में रेजिडेंट डेटा है, हमने बोला था डेटा दो टाइप का होता है, एक रेजिडेंट डेटा होता है और एक डेटा इन ट्रांजिट होता है। रेजिडेंट डेटा क्या होता है, रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट नहीं होता। रेजिडेंट होता मतलब डेटा आके सिस्टम में बैठा हुआ है, रेजिडेंट है। तो उस डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, एक्यूरेसी को मेंटेन करना, डेटा की क्या होती है इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी होनी चाहिए डेटा में, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी होनी चाहिए डेटा। जहाँ भी डेटा वर्ड आएगा, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी या इंटेग्रिटी ऑफ डेटा आएगा। ये वर्ड्स डेटा को क्वालिफाई करते हैं। हर वर्ड्स के अलग मीनिंग होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी और इंटेग्रिटी डेटा की मेंटेन करना डेटा ओनर का काम है, और उसको क्लासिफाई करना डेटा ओनर का काम है, और फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये डेटा कस्टोडियन का काम है। ये क्या कहते हैं, डेटा ओनर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो आईटी का बंदा नहीं है। इसी तरह प्रोसेस ओनर है, प्रोसेस ओनर भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी है कि नहीं है, मतलब इंटरप्राइज की सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार उसकी प्रोसेस में सिक्योरिटी है कि नहीं है, इसको इंश्योर करने के लिए, नहीं है तो एस्केलेट करेगा, हाईलाइट करेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी, उसके बाद डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, उसके प्रोसेस वो पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके बाद होते हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके बाद होते हैं यूजर्स, यूजर क्या है, यूजर फॉलोअर होगा, यूजर को जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो कर दो, एंटरप्राइज की सिक्योरिटी पॉलिसी ये है, ये इसके ये प्रोसीजर्स हैं, फॉलो करो। इसके बाद होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट एश्योरेंस दे सके मैनेजमेंट को कि भाई आपका सब सही चल रहा है, अप्रोप्रिएटनेस बता सके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स की कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और सिक्योरिटी पॉलिसी, स्टैंडर्ड, मेजर्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, और एंटरप्राइज के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव से को कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते, ये कौन बताएगा, ऑडिटर बताएगा। यानी ऑडिटर की ओपिनियन बहुत वैल्यू करती है, ऑडिटर आएगा और बाहर से ओपिनियन देगा। ऑडिटर आप रखोगे तो इंटरनल कंट्रोल काफ़ी हद तक ऑडिट करेगा, तो इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाएगा। ऑडिटर जो एक अच्छा ऑडिटर है अगर वो आएगा कंप्लाई करेगा। उसके बाद हमारी स्टडी एक एग्जांपल देती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी स्टेटमेंट का कि क्या क्या होगा उसमें, क्या चीज़ें होंगी, तो वो हमारी स्टडी में दिया हुआ है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग जो है, अकाउंटेंट्स जो है वो मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी स्टेटमेंट का एक एक्सट्रैक्ट देती है, एक स्टैंडर्ड देती है, और उसमें वो ये बताती है कि बेसिकली क्या है कि वही चीज़ें कि एंटरप्राइज जो है इंफॉर्मेशन एसेट्स को बचाना है, सारे थ्रेट से बचाना है, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, डिलीवरेट हो, एक्सीडेंटल हो,
और वो ये फिर से इम्फोसाइज करती है कि बहुत क्रिटिकल है इंटरप्राइज़ के सर्वाइवल के लिए, पर्टिकुलरली कई जैसे फेसबुक है वहाँ पर डेटा, वहाँ डेटा का ही खेल है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा डिपेंडेंट है कम्प्लीटली। पर्टिकुलरली जहाँ पर डेटा डिपेंडेंट है वहाँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सपोर्ट करना चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाने में, और जब एक बार वो अप्रूव हो जाए तो उसे डिसेमिनेट करने में। और ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वो बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें वो इंश्योर करें। उसमें सबसे पहले वो बोलती है कि एसेट्स को क्लासीफाई किया जाए लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पर। तो बेसिकली आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे एसेट की क्या है, इंफॉर्मेशन एसेट की, डेटा की, सब चीज़ों की, और उसके बाद उसी के हिसाब से उसे लेवल क्लासिफिकेशन करोगे। डेटा ओनर या प्रोसेस ओनर या डिपार्टमेंट का जो हेड है वो उसको क्लासिफाई करेगा, और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट होगी, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट की जाएगी उसी के अनुसार। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन की, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। इंटेग्रिटी इंफॉर्मेशन की मेंटेन होनी चाहिए, यानी CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और उन तीनों कॉन्सेप्ट का हम ध्यान रखेंगे। पर्सनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को भी हमें देखना है, फिजिकल, लॉजिकल, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को देखना है सही तरीके से है कि नहीं है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन को ब्रॉड पॉलिसी बनाते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि लीगल, रेगुलेटरी और कंट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट मीट आउट हो रही है, क्योंकि लीगल है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट तो मीट आउट, रेगुलेटरी भी लॉ ही हो गया एक तरह से, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि रेगुलेटर के पास अथॉरिटी ऑफ लॉ होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट अगर मीट आउट नहीं हुई तो आप पर पेनल्टी हो सकती है, आपकी गुडविल का लॉस हो सकता है, वो भी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ और मेथोडोलॉजी आप अपना रहे हैं तो आपको देख लेना पड़ेगा कि इस मेथोडोलॉजी के स्टेप्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए। अगर दूसरी मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है जो हमने पढ़ा, अल्टरनेट मेथोडोलॉजीज यूज़ की गई हैं, तो वो देखना पड़ेगा क्यों यूज़ की गई, क्या क्या रीज़न है उसके। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को देखना पड़ेगा कि बना है कि बनाया, कि मेंटेन किया गया कि नहीं किया, टेस्ट किया गया कि नहीं किया गया। तो बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद, और उससे भी ज़्यादा मेंटेन करना, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है हो सकता है साल दो साल में ही, अगर अपडेट नहीं करोगे तो दो साल में ही बेकार हो जाए, क्योंकि 5 साल में तो IT पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है IT इक्विपमेंट की, और हर 2-3 साल में अगर आप रोटेटिंग बेसिस में देखोगे तो 1/3 इक्विपमेंट आप, या हर साल 1/5 इक्विपमेंट आप ऑब्सोलीट कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है सारे लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई ब्रीच हुआ है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का, सस्पेक्टेड ब्रीच भी है, तो उसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी को रिपोर्ट कर देना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो पेनल्टीज या सेंक्शंस होनी चाहिए या जॉब से निकाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपने कई सेशंस में बताया कि कई कंपनीज़, कुछ कंपनीज़ कहती हैं कि अगर योर लैपटॉप इज़ लॉस्ट, जॉब इज़ लॉस्ट, यानी कि आपका लैपटॉप खो गया तो इसका मतलब डेटा खो गया, डेटा खो गया तो मतलब आपकी नौकरी गई। तो ये सैंक्शंस हैं, उसमें कितना ही बड़ा आदमी, कितना ही सीनियर मैनेजमेंट का आदमी, अगर उसका लैपटॉप गया, जॉब गया। उसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स वो हमें बनाने पड़ेंगे सही तरीके से, और ये इनमें हमें वायरस प्रोटेक्शन, पासवर्ड, इंक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लॉजिकल कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल कंट्रोल्स ही नहीं, लॉजिकल कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल कंट्रोल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें देखनी पड़ेगी कि अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, और वो मीट आउट होती कि नहीं होती, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी के चक्कर में हमें अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी एक तराजू के दो पहलू हैं। उसके बाद वो कहती है कि हर एक के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दो, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दो, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल के, डेटा ओनर के, प्रोसेस ओनर के, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के, कस्टोडियन के, यूज़र के, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिफाइन कर दो। तो फाइनली हमारी स्टडी ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शंस की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कहीं गाइडेंस चाहिए और एडवाइस चाहिए तो एडवाइस देने के लिए।
तो सारे मैनेजर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनकी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वहाँ पर स्टाफ एडहर करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर एम्प्लॉय की कि वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी से वो मीट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, आईटी स्ट्रेटजी पॉलिसी का पार्ट है, और आईटी स्ट्रेटजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ब्रॉडली हमने समझा दिया है और बार बार हम पर्टिकुलर चीज़ों को एम्फसाइज करें और वो अब रिपीट होने लग गया आई थिंक सो, और वो समझ में आने लग गया होगा, इजिली समझ में आने लगा होगा। जैसे हम साइलेंट फीचर्स बना रहे हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के, तो वो हम उसे डिवाइड कर रहे हैं पॉलिसी डेवलपमेंट रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पॉलिसी डेवलपमेंट में हम पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के सबॉर्डिनेट होनी चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी, और फिर हम डिवाइड करेंगे वैल्यू के अनुसार, वैल्यू ज़्यादा वैल्यूएबल होगा तो उसको हायर सिक्योरिटी देंगे, लोअर वैल्यूएबल होगा तो लोअर सिक्योरिटी देंगे, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवाइड करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करेगी, जैसे एसेट को लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के अनुसार क्लासिफाई करेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, फिजिकल लॉजिकल इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके बाद लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होंगी। तो ये सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं और यही सारी चीज़ें बेसिकली इंटेंट जो है, जो हमारा ये चैप्टर है आईटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करें और मैनेज करें, तो वहाँ पर हमें क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। असल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई लेवल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अधिकतर लेवल्स को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। मतलब अपने एरिया में कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, वहाँ पर स्किल्स बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक हायर मैनेजमेंट में भी बंदा बैठा है, उसको पता नहीं है कि ये सारी क्या चीज़ें हैं। वो ब्रॉडली जानता है कि क्या चीज़ें हैं, वो वहाँ पर पहुँचकर दिखाएगा आपको कि उसको हर चीज़ पता है, लेकिन उसको निटिग्रिटीज़ नहीं पता है। तो उसका काम यह है कि अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो एक पॉलिसी बना दे, और वो पॉलिसी बना सकता है क्योंकि एक ब्रॉड पॉलिसी वो बना सकता है, निटिग्रिटी पर नहीं जा सकता वो, निटिग्रिटी के लिए अलग बंदे हैं। तो उसने ब्रॉड पॉलिसी बना दी, एक रिस्पेक्टेबल बंदा है वो और एक अथॉरिटी वाला बंदा है, टॉप मैनेजमेंट वाला है, उसने पॉलिसी बना दी, उसको एक विजन हो जाता है कई साल के एक्सपीरियंस के बाद, 20 साल 25 साल 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसको पता होता है, तो पॉलिसी बना देता है। उसके बाद अलग अलग पॉलिसी बनती है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बना दी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, वो टॉप आईटी के टॉप मैनेजमेंट वाले बनाते हैं। आईटी के टॉप मैनेजमेंट वाले भी कई बार निटिग्रिटी नहीं जानते क्योंकि नीचे इतनी चेंजेस हो रहे होते हैं, उनको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पता है, उनको आइडिया होता है, तो वो लेकिन वो टॉप मैनेजमेंट को एक आइडिया होता है, वो एक पॉलिसी बना लेता है, और पॉलिसी बनाने के बाद फिर उस पॉलिसी को आगे बढ़ा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प के लिए बाहर स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स उठा लिए जाते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। और चूंकि आईटी एक बहुत मूव करता हुआ फील्ड है, बहता हुआ पानी है, हेरेक्टलिस था या क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने कहा यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, यानी कि आप दो बार एक नदी में कदम नहीं रख सकते क्योंकि पानी बह चुका होता है। तो टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस बहुत तेज, इतने तेज से तो नहीं आ रहे लेकिन बहुत तेज से चेंजेस आ रहे हैं, 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है एक आईटी में। तो उसी के हिसाब से इसे समझाने की कोशिश की, कई चीज़ रूटीन बार बार बोली जा रही है, पिछले लेक्चर्स में भी हमने बोल दिए, लेकिन हमारी स्टडी में ये एम्फसाइज कर रखा है, तो ये बोलना, हर टॉपिक को इलाबोरेटली समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सेशंस को सुन लें, तो फिर उसके बाद मटेरियल पढ़ें तो आपको मटेरियल नीरस ना लगेगा, मतलब एक लेवल उसमें एक जान आ जाएगी। वैसे कि किस तरह से पॉलिसी है, उसके नीचे कौन सी है, क्या चीज़ है, इसका एक आइडिया आ जाएगा, जैसे आप पढ़े होगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है स्टडी में, और फिर ऑडिटिंग है, इसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।